नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं अमरजीत कौर, खबर पंजाब से। अमृतसर में हिंदू संगठनों की ओर से अमरनाथ की यात्रा को रोके जाने पर जम्मू कश्मीर सरकार का पुतला फूंका और प्रदर्शन किया गया। इस दौरान आतंकियों की ओर से वहां की आवाम को भड़काने और आतंकियों का पोषण करने पर पाकिस्तान के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गयी। वीएचपी के जिला महासचिव राकेश खन्ना ने कहा कि उन्होंने आज तक किसी धर्म का विरोध नहीं किया है, लेकिन बार बार यात्रा को निशाना बनाया जाता रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि यात्रा की सुरक्षा के लिए और फोर्स को तैनात किया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को इसका कोई उचित हल निकाले। कश्मीर में लगातार हालात खराब हो रहे हैं। केंद्र को चाहिए जल्द से घाटी में शांति बहाल करने के लिए ठोस कदम उठाएं। जी, अमरनाथ की यात्रा एक ऐसी यात्रा है जो सदियों से चली आ रही है। पिछले 2-3 साल तो देखा जा रहा है कि अमरनाथ खतरा में कुछ अलगवादियों वालों अमरनाथ यात्रियों को तंग किया जाता है, उन्हें गड्डियां तोड़ी जाती हैं, उन्हें भद्दर व्यवहार किया जाता है। अच्छी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर सरकार, सेंटर गौरमेंट इस बारे कुछ सोचे कि आने वाले में भी अमरनाथ की यात्रा इन्ना कुछ सुरक्षित किया जाए कि किसी को भी जान लगियां कोई मुश्किल ना हो। तो साड़ी इन्हां दे अगे अपील है कि इस तरह जो हो रहा है यह ठीक नहीं हो रहा। जे इस तरह होंदा रहे तो गोरनाम निकलेंगे, सानू कोई सख्त कदम चुकेगा। जय शंकर। यह थी अमृतसर से हरदेव सिंह औलख की खास रिपोर्ट। आप देखते रहिए हमारा वेब न्यूज चैनल voiceofindia.net।